फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल पर तो जो नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस पर ध्यान मत देना। ये पता नहीं क्या लगा हुआ है या हुआ। तो आज से मैं डेली रूटीन ब्लॉग कर रही हूँ। आज से मैं कंटिन्यू रोज़ ब्लॉग डालूंगी, क्या कर रही हूँ रोज़, और तो सब उसमें दिखाऊंगी। मैं आज से मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज आज से मैं फ्री हुई हूँ। मैं 1 तारीख से थोड़ा बिजी थी, तो आज से मैं पूरा फ्री है और आज से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। फुल प्रॉपर वीडियो मिलेगा आप लोगों को, रोज़ 10 बजे तक मिल जाएगा वीडियोस, आप लोग देखना ना भूलें। तो ये जो वीडियो देख रहे हो वो तो डाल दूंगी, उससे पहले एक दिन पहले नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं बनाई थी। आज से कंटिन्यू है, तो आज से मैं जो भी करूँगी डेली आप लोगों से सब शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं। अभी तो जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया है, और कल से ब्रेकफास्ट में क्या कर रही हूँ सब दिखाऊंगी। आज से नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं इसीलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के बाद खाना में दिखा दूंगी क्या बनानी है। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना बन चुका है और देखा है मैंने क्या बनाया। अब मैं बेडशीट कर लेती हूँ। ये क्या है बताओ? ये है मच्छरदानी। तो चलिए अब मैं बेडशीट को भी देखिए कितना फैला हुआ है, ठीक करके मिलती हूँ। हमने बेडशीट भी कर दिया, आप देख सकते हो। और आज मुझे शैम्पू करके नहाना भी है। तो मैं शैम्पू से 2 दिन पहले मैं ऑयल लगाती हूँ। एंड अभी मैं कल रात को नहीं लगा कर सोई थी, बिकॉज कल कल रात को मुझे बहुत नींद आ रहा था, तो मैं ऐसे ही सो गई, कुछ भी नहीं किया, फ़ोन भी नहीं रखा है, देख रहे हो। तो कोई बात नहीं, टेढ़ा ही रखा है। सो अब मैं अपने हेयर में ऑयल लगा लेती हूँ। मैं ऑयल लगा कर अपने हेयर को चमक देती हूँ, ताकि हमारा जो ऑयल लगा रही हूँ थोड़ा अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए। तो देख सकते हो मेरी हेयर का भी हालत कैसा है। और अगर मैं शैम्पू करूंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ वो भी आप लोग को आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो हमने सारा जूता ऑयल लगाना चाहिए, हमने लगा लिया है। ठीक है, अपने अपने हेयर को ऐसे अच्छे से झाड़ लूँगी, ताकि कोई भी झटका ना आए, ऐसे शैम्पू करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और हेयर भी नहीं झड़ेगा। ऑयल लगा लिया मैंने, अब मैं इसे जैसे रखती हूँ वैसे ही कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने ऑयल भी लगा लिया है और अभी कितना बज रहा है, अभी 10 बज रहा है। तो 1 घंटा बाद मुझे नहाना है, और मैं कौन सा शैम्पू लगाऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अपने हेयर रूटीन ही आज बता दूंगी इस वीडियो में, बिकॉज मैं हेयर शैम्पू कर रही हूँ, तो बता दूंगी हेयर कैसे केयर किया जाता है, सबसे बेस्ट तरीका। तो चलिए और मैं ये फ़ोन ली थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। ये मैंने फ़ोन लिया अपने मम्मी के लिए, और ये फ़ोन लिया था तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। ये फ़ोन लिया था मम्मी के लिए लिया था, बिकॉज फ़ोन ख़राब हो चुका है इसीलिए। और आज मेरा भाई फ़ोन लेगा, तो वो भी आप लोगों को वीडियोस में दिखाऊंगी। सो अभी मैं जा रही हूँ ऐसे ही टाइम पास करने फ़ोन में, देन मैं जब नहाने जाऊँगी ना तब मैं आप लोग से मिलूँगी। बाय। सो ये मेरा शैम्पू है लोरियल का, आप लोग देख सकते हो ऐसा आता है। और ये है मार्क्स, फ्रेंड्स मैं नहा कर चली आई हूँ। और मैं नहा कर अपने हेयर में क्या लगाती हूँ वो जैसे मैंने बताया, अपना हेयर केयर कैसे करते हैं मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। सो अभी मैं नहा कर आई हूँ, और अभी मैं लगाऊँगी बॉडी लोशन, जो कि जानते हो आप लोग मैं कौन सा बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। मैंने इसका वीडियोस ही बनाया है पर्सनली। ओ मेरा खुल भी जा रहा है, बिकॉज आज मैंने मैं पहले अपने फेस पर लगा लेती हूँ, यहाँ पर लगा लेती हूँ। फेस के लिए मैं बहुत ही कम लूँगी, बहुत ही ऑयली होता है ना। और अभी गर्मी का दिन आ गया, मेरा फेस ऐसे ही ऑयली है, बहुत पसीना होता है। तो मैं नहाते टाइम मैं तो वीक में दो बार शैम्पू कर ही लेती हूँ। तो मैं अपने जो कंघी है मेरा उसको भी मैं धो लेती हूँ, जो मैंने धो के रखा है, जो कि मैंने अपने दोनों कंघी को धोकर रखा है। और यह है सीरम, इसका मैंने ये टकला कर दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर, और छत पर मैं अपना हेयर सुखाऊंगी,
बिकॉज धूप से मैं सुखाती हूँ, हेयर ड्राई से मैं जल्दी यूज़ नहीं करती, जब मैं पार्लर में जाती हूँ तो ही मैं हेयर ड्राई यूज़ करती हूँ, ऐसे मैं हेयर ड्राई कुछ होती भी नहीं हूँ बिकॉज उससे हेयर जाने लगता है। तो वो सब रोज़ यूज़ करने के लिए नहीं है, पार्लर वगैरह में ठीक है बट घर के लिए सही नहीं है। सो मैं आ गई हूँ छत पर और मैं एक जगह बैठ जाती हूँ और लगने का जगह भी। सो पता नहीं मैं आपको दिख रही हूँ कि नहीं बट वीडियो चालू है और अब मैं ये गर्म सा होना अपने छत में पसंद हूँ। अब मैं अपना हेयर को थोड़ा सुखा लूँगी। तो आप लोग भी अपने हेयर जब वॉश करोगे तो सबसे पहले सीरम लगाकर अपने हेयर को कंघी देना बिकॉज ऐसे हेयर नहीं टूटता है। या फिर आप लोग तेल भी लगाते हो तो तेल भी यूज़ कर सकते हो, मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ, जल्दी शैम्पू के टाइम ही लगाती हूँ। मेरा एक हेयर झड़ा है, पता नहीं आप लोग दिख भी रहा है कि नहीं, बहुत धूप है यहाँ पे और धूप से ना हेयर बहुत जल्दी सूख जाता है। तो मैं जब भी शैम्पू करती हूँ धूप में ही अपने हेयर को सुखाती हूँ, हेयर ड्राई में जब यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत ही अर्जेंट रहता है तब। और क्या बोला जाता है, और मैंने शैम्पू लगाया आप लोगों को दिखा दिया, मैं लोरियल का यूज़ करती हूँ और मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग मास्क नहीं लगाते हो तो मास्क लगाओ, मास्क से हेयर सिल्की होता है, मेरी तरह सिल्की हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट दिखते हैं हेयर। तो आप लोग मास्क जरूर लगाना, किस चीज़ का भी डफ का हो कुछ भी हो, मास्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेयर के लिए, जिसको अपना हेयर ब्यूटीफुल। तो फिर आप डर गए हो क्या? तो डरो मत, मैं हेयर सुखा रही हूँ, डरो मत आप लोग, मैं अपना हेयर को सुखा रही हूँ। ऐसे पीछे मैं सूखी नहीं रहा था तो सामने में हेयर करना पड़ा, तो अच्छे से सुखा रही हूँ ताकि गीला ना रहे हमारा हेयर, बिकॉज गीला रहेगा तो ढील वगैरह हो जाता है। मेरा तो अभी है नहीं, वैसे 5-6 साल पहले था, अब नहीं है। सब अपने हेयर को सुखाने में ही बिजी हूँ, मैं जल्दी जल्दी सुखा लेती हूँ, फिर आप लोग से बात भी करना है मुझे। सो फ्रेंड्स, अभी तो मैंने शैम्पू कर लिया और मैंने सब कुछ अपना हेयर वगैरह फेस वगैरह सब मैं अपना पूरा एकदम फ्रेश लग रही हूँ नहाकर। सो अभी मैं क्या करूँगी, मुझे शैम्पू करने के बाद बहुत ही नींद आता है, बहुत ही तगड़ा वाला नींद। तो अभी मैं जा रही हूँ बिकॉज सोने के लिए, और जब खाने का टाइम आएगा कितना बज रहा है, बहुत टाइम है तो 12 भी नहीं बजा। सो अब मैं मिलूंगी, कुछ करूंगी तब, अभी जा रही हूँ सोने के लिए बिकॉज मुझे नींद आ रहा है, और खाने के टाइम में मिलूंगी। सो चलिए अभी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, सोने वाली हूँ, तो सोने चलते हैं। फ्रेंड अभी भाई का कॉल आ गया और अभी फ़ोन लेने जाएगा, सो अभी मैं निकल रही हूँ, मैं जस्ट कपड़ा पहन ली हूँ और हेयर वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ, फिर मिलते हैं। फोन में चार्ज नहीं, मैं फोन में चार्ज दे रही हूँ, ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी तब। फ्रेंड्स सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैं सिर्फ ओनली लिपस्टिक लगाई हूँ और कुछ नहीं, और हेयर को ठीक कर लिया है। सो अब मैं जा रही हूँ और वहाँ पर जाकर मिलती हूँ आप लोग से। और सीट कवर बहुत ही क्या बोला जाता है, बहुत ही गर्म हो गया था, मैंने पूरा पानी डाल दिया सूख गया। तो चलिए जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। सो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मासी के घर, और मासी के घर आए तो मेरा बाबू मिली है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फुलका खाने के लिए। तो चलो, तो बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे थे, इधर देखो। सो फ्रेंड्स मैंने कुछ खा लिया और अब हम लोग मिठाई दुकान पे हम लोग कुछ ले रहे हैं, कैमरा में देख के खा रही है तू, खाओ। सो इसको भी कैमरा से बहुत प्यार होगा, बड़ा हो जाएगी तो। सो चलो अभी तो बात मासी की तरह बनेगी, हाँ मेरी तरह बनेगी, ब्लॉगर बनेगी। अभी हम यहीं पर है और जब फोन लेने जाएंगे तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, अभी हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, रेस्ट। तो ये लड़की थी, कपड़ा बदल चुकी है सुबह से और खुश हो रही है कैमरा को देखकर। खराब हो जाएगा, हाँ खराब हो जाएगा बाबू। अभी हम लोग जा रहे हैं लस्सी पीने के लिए, और यहाँ का लस्सी बहुत ही मस्त लगता है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डेली रूटीन में। सो आज तो मेरा डेली रूटीन में बाहर में ही गुजर रहा है, कल से देखते हैं क्या होता है। मैं अभी घूमने भी जाने वाली हूँ बहुत जगह इस मंथ में, एक्वाटिका और निको पार्क, इको पार्क, बहुत जगह हम लोग घूमने वाले हैं, साइंस सिटी एक दिन में नहीं पर अभी बहुत मस्ती आएगा इस मंथ। तो चलिए वीडियो से बने रहे। हाँ
सब भी होती हूँ। सोकर हम लोग के ऊपर खाना खाए और अभी 6 बज गए हैं तो अभी जाएंगे फ़ोन लेने के लिए। सो चलो आप लोगों को दिखाते हैं मेरा भाई कौन सा फ़ोन ले रहा है, आप लोगों से सब शेयर कर रही हूँ मैं। चलिए गाइस फोन लेने आ चुके हैं, चलो दिखाओ कौन सा फोन ले रहे हैं। आप मम्मी को गंदी बच्ची, वो नहीं उखड़ेगा। तो अभी फोन दिखाऊंगी कौन ले रहा है, प्रोसेस हो रहा है। फिर चुपचाप रहो। अभी हम लोग फोन ले रहे हैं और मेरा बाबू भी कैमरा में हंसने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहले तो कुछ इंप्रेशन भी नहीं देती, कैमरा लगा रहे कैमरा। गाइस फोन ले लिया, आप लोग देख सकते हो। सो अभी फोन का ये हो रहा है, इधर कवर दे दीजिए अपने, ये सब ले लेना। अच्छा कवर दीजिएगा भैया, हमें सब फोन लेगा लेकिन हमको कवर नहीं मिला, हम हजार से मंगाए थे इसीलिए हमको ऐसे। दाम बोलो उसका 17,490। कैमरा भी अच्छा है, F99 A55। फाइनली फोन हम लोगों ने ले लिया है, सारा सब कुछ हो चुका है प्रोसेस। तो मेरा भाई यही पार्टी देगा, हाँ मोमोज करेंगे और कुछ। तो अभी फोन ले लिया, अच्छा लग रहा है कि हम लोग के पास तो है अभी, अभी फोन का नहीं है। तो चलिए फोन तो दिखा दिया, कैसा आप लोग कमेंट में बताना कैसा फोन है, कैसा लगा आप लोग को। फोन ले लिया है और फोन भैया ने मतलब अपना पैसे से नहीं लिया, आधा वो दे रहे हैं और आधा उसका बहन दे रही है रानी। ओके सो फ्रेंड फोन ले लिया। तो गाइस फोन ले लिया हम लोगों ने और भैया को फोन रानी भी लाई है बिकॉज और अभी पायल भी खरीदने जा रही है अपने बेबी के लिए। तो आपको फ़ोन कैसा लगा, और सारा क्रेडिट रानी को जाता है क्योंकि भैया पास उतना अच्छा फ़ोन नहीं था, तो रानी के पास पैसा था तो वो दिला रही है, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसके पास भी अच्छा फ़ोन होना चाहिए। तो अब चलो सोनार दुकान जा रहे हैं, आज का वीडियो मेरा यहीं तक बाहर में ही कट रहा है, चलो सोनार दुकान में मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स मैं घर आ चुकी हूँ एंड आप लोगों ने देख लिया फ़ोन और पायल कौन सा है। सो अभी मैं अमेजोन से मंगाई थी ग्रीन पर्दा वीडियोस बनाने के लिए, और ऊपर में फिर बैकग्राउंड चेंज हो जाता है ना, इसलिए मैंने ग्रीन पर्दा भी मंगाया है। सो आप लोग शेयर कर दिया अमेजोन से मंगाया है, और मैंने यहाँ जियो का सिम भी लिया है जो कि मैं तीसरा फ़ोन में लगाऊंगी। मेरे पास एक ही सिम था, फ़ोन 3 है बट सिम मेरे पास एक ही है, तो मैंने और एक सिम ले लिया है। सो ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, अगर वीडियोज़ पसंद लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आई हूँ डिनर करूँगी एंड डिनर में कुछ खास नहीं है, बस सूप पीऊँगी और कुछ नहीं, बिकॉज आज मैंने खा लिया है बाहर में बहुत कुछ। सो वीडियोस बड़ा हो जाएगा, तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली रूटीन ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है बताना, मैं रोज़ डेली रूटीन ब्लॉग आप लोगों को दूँगी, डेली मैं क्या करती हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो आज तो मैंने फर्स्ट डे ये किया है, सेकेंड डे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।